भारत में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। वारदातें क्लाइंट में घट चुकी हैं, लेकिन पुलिस नाकाम नजर आती है। इन दहाड़े ताबड़तोड़ से गोलियां चलाई जाती हैं और आत्म रक्षा के लिए जो दुकानदार के संचालक हैं, उनके द्वारा उन पर वापसी फायर किया जाता है। फिर दो नकाबपोश आते हैं और इस गेट से अंदर एंट्री करते हैं। जब वहां गेट से गोलियां चलाई गई, ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जो दो लड़के बाहर से आए, उन्होंने फेस मास्क पूरा कवर किया हुआ था, उन्होंने गेट चढ़ते ही फायर शुरू कर दिए। दोनों के हाथ में रिवॉल्वर मैगजीन था, तो उन पे आया, मैंने वापस फायर करते उन पे आया, तो उन्होंने, वो लोग मेरे फायर से डर के कारण दौड़ के चले गए। दो लड़के बाहर से आए, उन्होंने फेस मास्क पूरा कवर किया हुआ था, उन्होंने गेट चढ़ते ही फायर शुरू कर दिए। दोनों के हाथ में रिवॉल्वर मैगजीन था, तो उन पे आया, मैंने वापस फायर करते उन पे आया, तो उन्होंने, वो लोग मेरे पैर से डर के कारण दौड़ के चले गए। 12 में लगभग 2-3 मिनट में कॉल मिला और 20-25 मिनट बाद वो पता नहीं आए नहीं आए, लेकिन मैंने 3-4 बजे कॉल की, तो उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। बातचीत हुई है, वो लोग घुमा के घुसते रहे कि बाइक का नंबर क्या था, आप क्या कर रहे थे, क्या था, लेकिन उन्होंने जैसा कि इंसिडेंट था उसको उस वे में नहीं लिया। अभी दो आदमी थे मुंह पे, उसको पूरा अपना मुंह कवर कर रखा था उन्होंने, और अभी सीनों पे ट्रांस बुला लिए हम, उनको जल्दी से जल्दी अभी जब तक उनको गिरफ्तार नहीं कर लेंगे, क्योंकि इसके पास इसने 16 फरवरी को पहले ही पर्चा दर्ज करा रखा है ओके वगैरह का, और इसको जब भी गनमैन प्रोवाइड भी किया था। नमस्कार, फिलहाल कलायत के रेलवे रोड से इस समय लाइव जुड़ चुका हूँ और कलायत में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ दिन पहले की बात करें या कई वारदातें कलायत में घट चुकी हैं, लेकिन पुलिस नाकाम नजर आती है, क्योंकि आज भी अगर दिन दहाड़े की बात करें तो आज सुबह 11 बजे दो बदमाश आते हैं और दिन दहाड़े जो ठीक मेरे पीछे जो दुकान दे रहे हैं देख रहे हैं शेखर गारमेंट्स की, दिन दहाड़े ताबड़तोड़ से गोलियां चलाई जाती हैं और आत्म रक्षा के लिए जो दुकानदार के संचालक हैं उनके द्वारा उन पर वापसी फायर किया जाता है ताकि अपना बचाव किया जा सके, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की इस सुरक्षा पर सेंध लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस के जो दावे हैं सेवा सुरक्षा सहयोग की वो पोल खुलती नजर आ रही है, क्योंकि कलायत में ये पहली ऐसी घटना नहीं है, इससे पहले भी काफ़ी वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन दिन दहाड़े अगर इस तरह की वारदातें होंगी तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि पुलिस की सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक है, क्योंकि दिन का ये मामला है और कलायत में दिन दहाड़े बाइक पर दो नकाबपोश आते हैं और इस गेट से अंदर एंट्री करते हैं। अंदर एंट्री करते ही ताबड़तोड़ तरीके से गोलियां चलाई जाती हैं, जिसके बाद जो दुकान के संचालक हैं वो अपनी ही पिस्टल से, अपनी गन से उन पर वापसी जो है वो फायर करते हैं, लेकिन मौका पाकर वो यहाँ से फरार हो जाते हैं। सूचना पुलिस को दी जाती है, पुलिस मौके पे पहुँचती है और मौके पे पहुँचने के बाद तमाम छानबीन की जाती है, लेकिन मामला क्या है वो भी हम यहाँ पर जो पुलिस पहुँची है उनसे जानेंगे। लेकिन तमाम पुलिस इस समय मौके पर पहुँची है, CIA की बात करें, DSP की बात करें या SHO की बात करें, तमाम पुलिस इस समय छानबीन करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस तरह की घटना दिन दहाड़े कहीं ना कहीं पुलिस की सुरक्षा में चूक जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन जो व्यक्ति है जिसका नाम शेखर बताया जा रहा है, जिन पर जो गोली या जो फायर जो है वो किए गए हैं, उनसे भी जानेंगे आखिरकार पूरा मामला क्या है, क्योंकि उनकी तरफ से अगर बात करें तो कुछ दिन पहले या कुछ महीने कुछ साल पहले शिकायत दी गई थी, इस तरह की जानकारी मिल रही है कि फिरौती मांगने का सामने मामला जो है वो सामने आया था, लेकिन वो कड़ी दूसरी है या उस कड़ी से ही जुड़कर जो है वो बातचीत की जा रही है या उसको देखते ही ये फायरिंग जो है घटना की गई है वो देखी जा सकती है। लेकिन जब वहाँ गेट से गोलियाँ चलाई गई, ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जो जेंट्स फुटवेयर है उसके ऊपर जो है वो गोली जाकर लगी, उसके बाद जो दूल्हे की शेरवानी उसके नीचे जो है वो गोली जाकर लगी, और ठीक मेरे नीचे जो स्कूल ड्रेस का जो बोर्ड आप देख रहे हैं, दो गोलियां वहां पर लगी। तो आप ये देख सकते हैं कि दुकान में घुसते ही उन नकाबपोशों द्वारा ताबड़तोड़ तरीके से गोलियां चला दी जाती हैं, जिससे कि फिलहाल जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस वारदात को कहीं ना कहीं जो पुलिस की सुरक्षा है उसमें चूक जो है वो देखी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं और जो पुलिस पहुँची है और जो यहाँ के ऑनर हैं शेखर, उनसे बात करेंगे कि इस मामले में आखिरकार क्या पूरा मामला है, आखिरकार क्यों इन बदमाशों ने दिन दहाड़े इस तरह की वारदात को अंजाम दिया।
सामने देख के बताना सर। सर मामला ऐसा था, मैं दुकान बैठा था, 11:15 टाइम था, नॉर्मल कस्टमर रूटीन था। दो लड़के बाहर से आए, उन्होंने फेस मास्क पूरा कवर किया हुआ था। मैं उनको पहले ध्यान था कि मैं अक्सर दुकान को बोलता हूँ ग्राहक को मैं अपना फेस मास्क नीचे उतार को तभी दुकान के अंदर आऊँ। वो लोग इस आने से पहले ही उन्होंने गेट पर आते ही फायर शुरू कर दिए। दोनों के हाथ में रिवॉल्वर मैगजीन था। तो मैं सामने बैठा था, मेरी करीब 50 फीट की दूरी थी, मैं जस्ट उन पर आया, मैंने भी वापस फायर करते उन पर आया। तो उन्होंने वो लोग मेरे फायर से डर के कारण दौड़ के चले गए, मैं उसके पीछे भी उनके दौड़ता रहा। उनके में कितने फायरिंग हुए शेखर जी उनकी तरफ से? लगभग 5-6 फायरिंग उनकी तरफ से हुए हैं जो हमने खोल मिले हैं, बाकी काउंट तो करना असंभव है इन चीज़ों को जी। तो पहले भी आपके द्वारा मामला दर्ज कराया, क्या मामला था पहले वो? सर वो तो मामला था कि प्रति मांगी गई थी, उन बातों को करीब 1-1.5 साल हो चुका है, उन चीज़ों को भूल चुका था मैं, ऐसे कोई मैटर नहीं था। नहीं सर मैं ऐसा है किसी गलत को ब्लेम नहीं कर सकता, मैं नहीं बोलता कि वो लोग होंगे, शायद कोई और हो, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे कि वो कौन है। जी आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाई गई है, सिक्योरिटी का कितना आपको सुरक्षा के लिहाज से फायदा मिल पाया आज घटना? देखो ऐसा है सिक्योरिटी का ऐसा है कि कई बार आदमी हम बॉर्डर पर नहीं है हर टाइम एक्टिव हों, कई आदमी एक्टिव नहीं हो पाता, इस वजह से शायद उसका है वो लोग फायर ना कर सके हों। तो क्या लगता है क्या कोई पुराना रंजिशन मामला था या कोई लूटपाट के इरादे से वो यहाँ पहुँचे थे? सर इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये पुलिस तफ्तीश करे। गोलियां चलाने वाले ने कुछ कहा है, कोई पर्ची फेंकी है? कुछ नहीं फेंका ना, कोई पर्ची फेंकी, उन्होंने तो गोली फेंकी है, उनके विरोध में मैंने गोली फेंकी। कुछ दिन पहले कोई फोन वगैरह आपके पास? मेरे पास जानकारी आप 1-1.5 साल से मेरे पास कोई ऐसा कोई मैटर नहीं है, मेरे पास कोई कॉल नहीं आया है, कोई मेरे से किसी बात नहीं हुई है, मैं तो अपने नॉर्मल रूटीन लाइफ जी रहा हूँ। उसके बाद फिर आपने क्या कहा जब गोलियां, जब इस वारदात को अंजाम दे दिया गया, उसके बाद आपने क्या किया, क्या पुलिस को सूचना दी? मैंने 112 में कोशिश की, 112 में लगभग 2-3 मिनट में कॉल मिला और 20-25 मिनट बाद वो पता नहीं आए नहीं आए, लेकिन डिपार्टमेंट से मेरे पास जरूर आ गए थे। डायल 112 को कितनी बार आपने कॉल की? मैंने 3-4 बार कॉल की। तो उनसे कोई बातचीत नहीं हुई? बातचीत हुई है, वो लोग घुमा के पूछते रहे कि बाइक का नंबर क्या था, आप क्या कर रहे थे, क्या था, लेकिन उन्होंने जैसा कि इंसिडेंट था उसको उस वे में नहीं लिया उन्होंने। तो उसके बाद फिर क्या जो SHO है वो मौके पर पहुंची है, पुलिस टीम मौके पर पहुंची है, DSP मौके पर पहुंची? हाँ वो सब प्रशासन मौके पर आया है, लेकिन मैंने पता कॉल किसने किया मुझे नहीं पता इसके बारे में, प्रशासन मौके पर आया। तो पुलिस द्वारा आश्वासन अब क्या कुछ दिया गया है, क्या कुछ? अभी तक कोई आश्वासन नहीं है, पुलिस ने बोला कि आप पर्चा दर्ज कराओ, उसके बाद पुलिस कार्रवाई शुरू करेगी। CCTV फुटेज में किसी तरह की पहचान हो पाई हो? नहीं सर किसी भी तरीके की पहचान नहीं हो पाई। CCTV तो लगा हुआ आपके यहाँ? हाँ सर मेरी दुकान फुटेज आ चुकी है। जी आ चुकी है। चलो एक बार वो भी दिखा दें ताकि आम जन भी अगर कोई पहचान पाए तो। सर मैं ऐसा है फुटेज नहीं दिखा सकता, कुछ कोई छोटी रीजन होता है चीज का, वो नहीं दिखाना चाहता। तो अब क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं सर शांति बहाल हो, जो क्रिमिनल है उसको सलाखों के पीछे हो, सलाखों के पीछे क्यों, उनको सीधे इंसिडेंट फायर करो उनके पास। आप पहुंचे हैं, दूसरी बार यहां फायरिंग हुई है और हालात इस कदर गंभीर हुए कि जो शोरूम संचालक हैं उनको आत्मरक्षा के लिए फायरिंग करनी पड़ी, तो ये क्या मामला है? ये फायरिंग की सूचना हमारे पास आई थी, SHO कलायत भी, CIA 1-2 भी, मैं भी, डिप्टी हेडक्वार्टर भी, SP साहब ने पूरी टीम यहाँ 4 टीमें लगा दी हैं और हम इसको जल्दी से ट्रेस कर लेंगे। 2 बंदे आए हैं मोटरसाइकिल पे, वो फायरिंग करके निकल गए और इसने शेखर ने बहुत बहुत बहादुरी का काम किया, इसने उनके ऊपर भी फायरिंग करी है, फिर वो अपनी जान की रक्षा करते हुए भाग के निकल गए और हम इसको जल्दी ट्रेस कर लेंगे। कितनी गोलियां चली और क्यों चलाई गई, क्या कुछ आप भी? गोलियों का तो नहीं कहा जा सकता, हमने 5-6 तो खोल उनके बरामद कर लिए और 5-6 गोली इनने शेखर ने चलाई थी और अभी देख रहे हैं, सारे फुटेज लेंगे आसपास की, वो मोटरसाइकिल पाए थे जब भी कुछ कहा जा सकता। कितने आदमी थे? अभी 2 आदमी थे, मुँह पे उसको पूरा अपना मुँह कवर कर रखा था उन्होंने और अभी सीनों के ट्राइम बुला लिए, हम इसको जल्दी से जल्दी ट्रेस कर। 112 नंबर पर भी जो दुकानदार है उनके द्वारा कॉल की गई, उन्होंने अपना डिस्प्ले दिखाया कि 12 और 14 बार डायल करने के बाद भी नंबर से संपर्क नहीं हो पाया, तो ये तो सुरक्षा में चूक तो नहीं? कोई बात नहीं, हम ये भी देख लेंगे कितने बजे 112 नंबर पर कॉल हुई है और इसकी अब हम परमानेंट यहाँ पे पुलिस भी मतलब गश्त भी उड़ा देंगे और इसको गनमैन ऑलरेडी दे भी रखा है और आगे भी गनमैन की और जरूरत पड़ेगी तो हिसाब से बात। हमलावर हैं वो भाग गए हैं तो उनको दबोचा जा सके, क्या नाकेबंदी की गई है? इसके लिए पूरी डिस्ट्रिक्ट में और अदर की जो आसपास की डिस्ट्रिक्ट है उनमें सब में मैसेज करा दिया, आगे मोटरसाइकिल और वो नाकाबंदी कर ली गई है और इसके अलावा सारी टीम में CIA के इंस्पेक्टर तो इधर आए, उनकी टीम लग रही है और जल्दी से जल्दी हम इसको ट्रेस करेंगे। क्या मामला माना जा रहा है सर, रंजिश है या कोई फरौती मांगी गई है?
अभी जब तक उनको गिरफ्तार नहीं कर लेंगे, क्योंकि इसके पास इसने 16 फरवरी को पहले ही पर्चा दर्ज करा रखा है विरोध वगैरह का, और इसको जब भी गनमैन प्रोवाइड भी किया था, तो अब उसको जब से हम ट्रेस कर लेंगे जब सारा कोर्ट जाएगा, क्योंकि तो पर्चा तो इसने पहले करा ही रखा है, उनकी धीरे धीरे एविडेंस वगैरह वो भी स्टार्ट होनी है। थैंक यू। काफ़ी बार ये मामले हो चुके हैं कलायत में, लगातार ही देखे जा रहे हैं, कई वारदातों को अंजाम ऐसे बदमाश दे चुके हैं, लेकिन पुलिस की कार्यशैली कहीं ना कहीं शक के घेरे में आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, उसके पहले भी जो है कलायत में मर्डर हुआ था राणा का, वो राजौंद में हुआ था, उसके बाद भी हमने पूरे गैंग को, आज वो गैंग जो बिन्नी गैंग था, उनको अंदर कर रखा है और उसको हमने ट्रेस किया था, और आगे भी हम ट्रेस करते रहेंगे। क्या शंका बताई गई है, कौन से गैंग पे? अभी कुछ ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक नहीं उनको हम ट्रेस कर लेते। थैंक यू।